नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यूह में। अक्सर लोग कहते हैं कि व्यक्ति को अतीत को भूलते हुए पहले वर्तमान और फिर भविष्य पर फोकस करना चाहिए। बात भी ठीक है, लेकिन कई बार अतीत में ऐसा बहुत कुछ हो चुका होता है जिसे हम भुलाना तो चाहते हैं लेकिन भुला नहीं पाते। कोविड की दूसरी लहर भी कुछ ऐसा ही मरहला है। भला कौन भूल पाएगा अप्रैल 2021 के शुरुआती 15 दिनों को। पूरे देश में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया था, सड़कों पर सन्नाटा था। उस सन्नाटे को चीरती एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती थी। अस्पतालों में करहाते और दम तोड़ते मरीज नजर आते थे। ऑक्सीजन सिलेंडर, जरूरी दवाएं, ऑक्सीमीटर जैसी चीजों के लिए दर दर की ठोकर खाते हुए तीमारदार, जगह की कमी के चलते पब्लिक प्लेस पर जलती चिताएं, कब्रिस्तानों के बाहर मुर्दे दफन होने के लिए वेटिंग का टोकन पकड़े बैठी जनता। हम में से शायद कोई भी ऐसा ही होगा जिसने कोविड की इस दूसरी लहर में किसी अपने को नहीं खोया होगा। कोविड की दूसरी लहर ने जैसा कोहराम हिंदुस्तान में बचाया, कहीं घरों में परिवार का मुख्य चला गया तो कहीं घर का इकलौता शख्स जो कमाकर परिवार का भरण पोषण कर रहा था उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। इन पलों को याद कर लीजिए, साथ ही याद कीजिए कि उस समय की दहशत को जो सड़कों से लेकर अस्पतालों तक नजर आती थी। ऐसे में सवाल है कि क्या सब कुछ नॉर्मल हो गया है? क्या अनलॉक ने हमारे जीवन को वापस पटरी पर ला दिया है? क्या अब हम खुलकर सांस ले सकते हैं, एक दूसरे से मिलजुल सकते हैं? यूं तो हाँ बोलकर अपने आप को खुश किया जा सकता है, मगर जब हम पीएमओ से आई एक रिपोर्ट को देखते हैं और उसका अवलोकन करते हैं तो मिलता है कि आने वाले वक्त में स्थिति और गंभीर है। देश में इस साल अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। 1 सितंबर यानी कि आज से दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे तमाम ऐसे राज्य हैं जहां प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोल दिए गए। यूपी में आज से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद ने निगरानी के लिए टीमें भी बनाई है जो कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस के अनुपालन की निगरानी भी करेंगी। वहीं स्कूल सुबह 8 बजे से खुलेंगे और 2 कक्षा का संचालन भी बता दें 2 पालियों में किया जाएगा। ऐसे में ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन कक्षा का भी विकल्प बच्चों के लिए उपलब्ध कराया गया है। वहीं यूपी के साथ ही दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी आज से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले तो वहीं मध्य प्रदेश में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चे आज स्कूल जाते हुए नजर आए। वहीं राजस्थान में भी करीब 6 महीने के बाद आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने भी 1 सितंबर से स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है और राजस्थान में भी बता दें सुबह 7:30 बजे से 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र स्कूल गए, वहीं 10वीं और 12वीं के छात्र 8 बजे से स्कूल पहुंचे, जबकि 8वीं और इससे नीचे की कक्षा के लिए अभी तक स्कूल खोलने के संबंध में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। इसी के साथ इन राज्यों की सरकारों ने स्कूल खोलने की छूट तो दे दी, साथ ही सख्त गाइडलाइंस भी जारी कर दी है जिनका सख्ती से अनुपालन भी कराना अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क और सैनिटाइजेशन पर भी जोर दिया गया है। वहीं ऐसे में राजस्थान सरकार की ओर से भी जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 60% बच्चे ही स्कूल जा सकेंगे। ऐसे में 40% बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। हालांकि देखिए अब इस दौरान कुछ राज्यों में स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में बच्चों में कोरोना के बढ़ते मामले अब चिंता पैदा कर रहे हैं। झारखंड और चंडीगढ़ में भी हालांकि ट्रेंड विपरीत है। बता दें स्कूल खुलने पर बच्चों में काफी खुशी भी देखी गई है और सुबह से ही दिल्ली एनसीआर सहित भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश भी होती रही और इसी के बीच बच्चे स्कूल भी पहुंचे। हालांकि देखिए स्कूल खुलने को लेकर कितना बच्चे उत्साहित हैं आपको दिखाते हैं। और आपको मास्क वास्क लगाने के लिए बोला था टीचर्स ने? हाँ, टीचर्स ने बोला था कि आपको मास्क लगाना है और सैनिटाइजर लेके आना है, सोशल डिस्टेंस। मेरा नाम लक्ष्मी झा है, मैं क्लास 6 से पढ़ती हूँ और मुझे स्कूल आके बहुत अच्छा
बहुत अच्छा लग रहा है और स्कूल आने से ना हमारे डाउट सब क्लियर हो जाते हैं और पढ़ाई करने में मजा आता है सबके साथ बैठकर। तो आप जैसे स्कूल में एंट्री हुई तो क्या व्यवस्था है कोरोना संक्रमण को लेकर, आपके सैनिटाइज हुए हाथ वाथ? हाँ, सैनिटाइजर हाथ का हुआ, हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेक हुआ, मास्क लेके आना है, सैनिटाइजर वगैरह लेके आना। हालांकि अब देखिए बच्चों में तो उत्साह देखने को मिला, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्कूल खोलने में कोई जल्दबाजी तो नहीं कर गए, क्योंकि देखिए जिसका डर था वही हो रहा है। विशेषज्ञों ने जो अनुमान लगाया था हालात धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर के बारे में, जिसकी आहट अब सुनाई देने लगी है। दूसरी लहर के कहर के दौरान ही वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने चेता दिया था कि यदि जरा भी असावधानी हुई तो देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, जो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। वैसे भी पिछले एक हफ्ते से पॉजिटिविटी रेट जिस दर से आगे बढ़ रहा है, उससे साफ संकेत मिलता है कि अक्टूबर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर अपने चरम पर रहने वाला है। एक हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट 1.6% की दर से बढ़ा है। 23 अगस्त को ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 1.3% था, जो 29 अगस्त तक बढ़कर 2.9% पर पहुंच गया है। इसी तरह पॉजिटिविटी रेट खतरे की घंटे की तरह दिखाई देने लगा है। आपको ये भी बताते चलें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के तहत गठित एक्सपर्ट पैनल ने सरकार को तीसरी लहर की चेतावनी दे दी है। यूं तो रिपोर्ट में कमेटी ने तमाम चीजों का जिक्र किया है, लेकिन बात होनी चाहिए वो है बच्चों की। रिपोर्ट में कमेटी ने बच्चों के लिए मेडिकल तैयारी की जरूरत पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोविड की थर्ड वेव में बच्चों को कहीं ज्यादा खतरा है। हालांकि देखिए देश में कोविड की तीसरी लहर के जायजे के लिए गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद एक समिति की गठित हुई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में बच्चों पर बल दिया है और कहा है कि बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं, डॉक्टर, कर्मचारी, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस इत्यादि जैसे उपकरण कहीं भी नहीं है। कमेटी ये भी मानती है कि कोविड की तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी और इसीलिए बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने की स्थिति में इनकी आवश्यकता हो सकती है। फिलहाल रिपोर्ट पीएमओ के पास है, जिसमें कई अहम बातों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में गंभीर रूप से बीमार और विकलांग बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। साथ ही कमेटी के अनुसार बच्चे तब बच सकते हैं जब उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया हो। ध्यान रहे कि स्थिति थोड़ी जटिल इसलिए भी है क्योंकि अभी देश में बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। ऐसे में विचार विमर्श किया जा रहा है कि यदि उनके बीच संक्रमण फैल गया तो उसे कैसे कंट्रोल मिलाया जाएगा, और वो भी तब जब बच्चों को फिर से स्कूल बुला लिया गया है। तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिनका मानना है कि बच्चों में गंभीर संक्रमण का खतरा भले ही ना हो, लेकिन वो संक्रमण को अन्य लोगों तक फैला सकते हैं। वहीं कोविड थर्ड वेव के तहत अनुमान ये भी है कि कोविड की थर्ड वेव दूसरी लहर की तुलना में कम गंभीर होगी। साथ ही इन तमाम बातों के बीच यदि हम थर्ड वेव प्रिपेयर्डनेस की चिल्ड्रन की रिपोर्ट की एक बात करें, तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उसने कोरोना संक्रमित बच्चों और महामारी से निपटने के लिए कई जरूरी बातों पर बल दिया है, जिसे देश और स्वयं प्रधानमंत्री भी को भी अमली जामा पहनाना चाहिए। ऐसे में हालांकि देखिए अब स्कूल तो खुल गए हैं और स्कूल में मौजूद टीचर्स ये जरूर कह रहे हैं कि कोरोना नियमों का, प्रोटोकॉल्स का बच्चों से पालन कराया जाएगा, लेकिन पालन होगा या नहीं होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज क्या कुछ कहना है स्कूल के टीचरों का आपको सुनाते हैं। जी, मेरा नाम अलका गौतम है और मैं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ेल में हूँ। जी, यहाँ पे तैयारी, चूँकि उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो 6 to 8 था वो पहले से भी बच्चे आ रहे थे, हम लोगों ने उनका भी वेलकम किया और बच्चों का पूरे उत्साह से स्वागत किया। काफ़ी संख्या में बच्चे आ रहे, उनके अभिभावक से
अनुमति भी ली गई और रजिस्टर भी मेंटेन है। आज हम लोगों ने उनका जो चूँकि छोटे बच्चे हैं प्राइमरी के बच्चे, उनका विधिवत तैयारी में साफ़ सफाई, बच्चों को मोबाइल द्वारा गार्जियन को सूचना दी गई कि आप जो हैं बच्चों को विधिवत मास्क के साथ जो है अगर ड्रेस अवेलेबल है तो उनके साथ भेजें। और गार्जियन भी काफ़ी हमारी संख्या में आए हैं, आप खुद ही देख रहे होंगे कि काफ़ी गार्जियन खड़े हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं संख्या में, और बच्चे पूरे मास्क लगाए हुए सैनिटाइज किए हुए उनको एंट्री दी गई है। उनको हम लोगों ने फूल माला से और टीका करके उनका स्वागत किया और बाकी बहुत अच्छा लगा। बच्चों का उत्साह, बच्चों की खुशी, स्माइल आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़े उत्साह से बच्चे आए हैं। स्कूल में तैयारी है, मैम ने हमारी प्रिंसिपल मैम ने पहले ही स्कूल में सारी साफ़ सफाई करा दी थी और बच्चों को बैठाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। और जो बच्चे मास्क में नहीं हैं उनको हम स्कूल से वापस कर रहे हैं कि वो अगले दिन आए तो वो मास्क में ज़रूर आए। बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था है और अभी तक कैसे पढ़ाई चल रही है? अभी तक तो सर जो बच्चे हमारे परिवेश में सर जानते ही हैं, जिनके पास मोबाइल था उन्हें हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर रखा था, और जिनके पास नहीं था उन्हें जो दूरदर्शन पे कार्यक्रम टीवी से और रेडियो पर जो प्रसारण हो रहा था उनको फ़ोन के द्वारा सूचना दी जा रही थी कि ज़्यादातर बच्चे अपनी पढ़ाई से प्रभावित ना होकर पढ़ाई कंटिन्यू रख सकें। बच्चों में तो बहुत उत्साह है, उत्साह टीचर्स में भी है क्योंकि हम लोग भी परेशान हो गए थे इतने दिनों तक बच्चों से ना मिलना हम लोगों के लिए बहुत कठिन है क्योंकि हमारा पेशा ऐसा है कि बच्चों के बिना तो हम लोग अधूरे से हैं विद्यालय के अंदर। तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद स्कूल खुला है, और इनफैक्ट हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कितनी जल्दी गवर्नमेंट स्कूल खोले और बच्चे हमारे विद्यालय आएँ। इसके बाद तैयारियाँ तो हमारी लगभग पूरी हैं, सब साफ़ सफाई भी करवा दी है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी कर ली गई है सब, और बच्चों के स्वागत की भी तैयारी टीचर्स ने बहुत अच्छे से करी है। जितना उत्साह बच्चों को है उतना ही हमारे विद्यालय के अध्यापकों का भी उत्साह है कि बच्चे विद्यालय आ रहे हैं। कोरोना की वजह से इतने दिन तक स्कूल बंद थे तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराना भी बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, कैसे निपटेंगे, कैसे तैयारी? हाँ चैलेंज तो है ही है, लेकिन अब ये है कि जैसे बैठक व्यवस्था वगैरह जो भी है, जो हमारे प्रोटोकॉल उधर से हमें दिशा निर्देश मिले हैं उसी के अनुसार हम लोग उसको फॉलो करते हुए बैठाएंगे। अब इतने दिनों के बाद स्कूल खुल रहे हैं तो बच्चों को भी उतना ज़्यादा सब बच्चे लगभग भूल गए, आप समझिए एक डेढ़ साल में बस वही जो बच्चे हमारे जुड़े थे हमारे साथ व्हाट्सएप पे वो तो हैं अपने फ्लो में, लेकिन जो बच्चे नहीं जुड़े थे गार्जियन आते थे लेकिन वो चीज़ नहीं रह जाती है जो फेस टू फेस बच्चों के साथ टीचर्स जुड़ते हैं तो होती है। तो अब उसका गाइडलाइंस के लिए जो भी वहाँ से निर्धारित की गई हैं हम लोग उसका फॉलो करेंगे, और बच्चों के बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का है फॉलो करना और मास्क वगैरह का सब जो नहीं है उसकी व्यवस्था यहाँ करी जाएगी, की गई है, मतलब व्यवस्था की गई है, और बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जाएगा। बच्चों से भी परमिशन ली गई है जैसे सरकार की गाइडलाइन? जी हाँ, सरकार की गाइडलाइन है और हमने अपने दोनों ही ब्रांच के जूनियर का भी और प्राइमरी के भी सारे ही गार्जियन से परमिशन ली है। जो गार्जियन एग्री हैं स्कूल भेजने के लिए हम उन्हीं बच्चों को क्लास में बैठने के लिए परमिशन दे रहे हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद आज स्कूलें खुल चुके हैं, 6 से 8 से जो बच्चे हैं वो आज स्कूल में आए हैं। आइए हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या आज स्कूलों में कितने बच्चे आए हुए थे। मैम सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग में 26 बच्चे आए हैं, चूँकि बीच में रक्षाबंधन बढ़ गया था तो इसलिए थोड़े बच्चे हाई स्कूल और 9th के कम आए हैं, लेकिन बच्चों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि पढ़ाई के लिए बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त दे दी है और बच्चों को हम बहुत सेफ्टी से स्कूल बुलाते हैं और बच्चे भी जागरूक है, वो पढ़ना चाह रहे हैं तो हम लोग सेफ्टी के साथ उनको पढ़ाना चाह रहे हैं, और बच्चों के भविष्य का सवाल है तो इसलिए स्कूल आना भी ज़रूरी है और पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैम आप प्रिंसिपल हैं इस स्कूल की, खास व्यवस्था आपने क्या कर रखी है यहाँ पे? मैंने गेट पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग और रजिस्टर रखा हुआ, जितने भी लोग आते हैं उनको सैनिटाइज करना है, थर्मल स्कैनिंग की जाती है, रजिस्टर पर नाम पता लिखा जाता है, और मैं हर जगह बच्चों को हाथ धोने के लिए हैंड वॉश रखा हुआ, टीचर्स के लिए हैंड वॉश रखा है, सभी टीचर्स के पास बच्चों के पास सैनिटाइजर उपलब्ध है ताकि किसी तरह की लापरवाही ना हो, बच्चे बीमार ना पड़े और पढ़ाई अच्छे से करें। अच्छा बच्चे जो हैं शिफ्टों में बांट दिया गया, 4-4 की शिफ्ट लगाई जा रही है, आपके यहाँ कैसे क्या है? मेरे यहाँ भी इस चूँकि गवर्नमेंट टीचर बहुत कम है, बड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन प्रथम प्राथमिकता चूँकि हमको बच्चों को शिक्षा देना है तो टीचर हर स्थिति में तैयार रहती है शिक्षा देने के लिए, हम लोग ज़्यादा वक्त दे रहे हैं
ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। दो शिफ्ट में हम चला रहे हैं, 9th 10th सुबह में और 11th 12th शाम में। आज से 6 to 8 बच्चे आए, उनको सुबह बुलाया है, फिर 1 से 5 के बच्चों को शाम में बुलाऊंगी। बच्चों के भविष्य बनाने में टीचर का पहला रोल होता है, हमारे साथ कुछ टीचर भी जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि कोरोना में बच्चे घर बैठे थे, ऑफलाइन पढ़ाई चल रही थी, आज ऑनलाइन, यानी कि आप ऑफिस यहाँ पे बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, बच्चों के साथ हैं, कैसा लग रहा है? बच्चों के साथ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे रुचि भी ले रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे आ नहीं पा रहे थे। सबसे बड़ी बच्चों की प्रॉब्लम होती है, उनके पास मोबाइल ही नहीं थे, और बट अगर एक मोबाइल था भी तो उनके पेरेंट्स ले जाते थे, इससे बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। आज जब बच्चे आए हैं तो हम लोग 6, 7, 8 ने बच्चों ने कुछ काम नहीं किया, और 9th इंटर के बच्चों ने कुछ भी वर्क नहीं किया। मैं दोबारा से उनकी पुनरावृत्ति करा रही हूँ ताकि वो बच्चे पूरे से नए सिरे से पढ़ सकें। अच्छा मैम, जैसे बच्चे बहुत कम आए हैं, ऐसे में जो कोर्स होते हैं वो कैसे कम्प्लीट कैसे होंगे? आप कोर्स के लिए हमें टाइम ज़्यादा देंगे, हम बच्चों को रोकेंगे, उनके फ्री पीरियड में पढ़ाएंगे, जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा हम पढ़ाएंगे। और हम लोग सुबह 8 से लेके हमें 2 बजे तक भी रुकना पड़ रहा है, तब भी हम रुक के काम करा रहे हैं, बच्चों के हित के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। कुछ बच्चों से भी बात कर लेते हैं, काफ़ी टाइम के बाद स्कूल का रुख हुआ है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। शिफा। आपको आज आके कैसा लग रहा है यहाँ पे? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पढ़ाई क्या करी आज? मैम आज पढ़ाई मैम इंग्लिश में की, मैम सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाई की है, मैम कुछ मैम से समझाया है, और मैम वो समझाने के बाद जब समझ लिया उसके बाद वर्क दिया। बिल्कुल, सभी का यही कहना है स्कूल आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर भविष्य बनाना है तो स्कूल के अंदर आना ज़रूरी है। ऑनलाइन पढ़ाई भले ही हो रही हो, लेकिन स्कूल में आकर जो पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होती है, यानी कि बच्चों का जो रुझान है वो क्लासेस करने में ही है। लखनऊ से रूबी सिद्दीकी, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ न्यूज़ वर्ल्ड। कोविड की तीसरी वेव, इसके खतरों, बच्चों पर इसके प्रभाव और इसकी रोकथाम पर बातें उस वक्त हो रही है जब केरल ने पूरे देश की टेंशन बढ़ा दी है। केरल में 14 जिले अभी भी रेड जोन में हैं, साथ ही केरल में पॉजिटिविटी रेट भी 10% ही है। जैसे हालात केरल के हैं, हर बीते दिन के साथ स्थिति और गंभीर हो रही है। देश में आज कोविड से जितने भी मामले हैं उनमें आधे से ज्यादा केरल से ही सामने आ रहे हैं। बात क्योंकि कोरोना की तीसरी वेव की चल रही है, तो ऐसे में हमारे लिए नीति आयोग की हिदायतों और आशंकाओं पर भी बात करना बहुत जरूरी है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने पहले से तैयारी को लेकर चेतावनी दी है। पॉल ने सरकार को वायरस की गंभीरता बताते हुए कहा है कि तीसरी वेव में एक दिन में 4 लाख तक मामले आ सकते हैं, और इसके लिए करीब 2 लाख आईसीयू बेड्स की व्यवस्था करनी होगी। इनमें वेंटिलेटर वाले 2.5 लाख के करीब आईसीयू बेड, 7 लाख नॉन आईसीयू हॉस्पिटल बेड और 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड भी होने जरूरी है। ये सुझाव नीति आयोग की तरफ से यूं ही नहीं दिए गए, आयोग की तरफ से अप्रैल जून 2021 के समय को देखा गया है और कोविड संक्रमण के पूरे पैटर्न को समझा गया है। वही देखिए अब कोरोना की दूसरी लहर के पहले की स्थिति को याद करने पर संक्रमण का ट्रेंड समझ में आ जाएगा। उस वक्त दिसंबर से मार्च के बीच अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे थे। उस वक्त वहां कमोवेश वाली स्थिति थी जो दूसरी लहर के दौरान भारत में हुई थी। जैसा अपने देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ढह गया था, लोग इलाज के लिए सड़कों पर दौड़ रहे थे, अस्पतालों के बाहर मरीजों की लाइन लगी थी, बेड कम पड़ गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं मिल रहे थे, कुछ उसी तरह उस वक्त अमेरिका में स्टेडियम में अस्थायी अस्पताल बनाकर मरीजों को रखा जा रहा था। हाँ, वहाँ राहत की बात ये थी कि मेडिकल सुविधाएं कम से कम सबको मिल रही थी। फरवरी और मार्च के महीने में केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़े, और उसके बाद अप्रैल आते आते पूरे देश की हालात खराब होते चले गए। इस बार भी कुछ वैसा ही ट्रेंड नजर आ रहा है। इस वक्त अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसराइल सहित कई देशों में कोरोना के केस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अमेरिका और इसराइल तो वैक्सीनेशन के बाद खुद को मास्क फ्री तक घोषित कर चुके थे, लेकिन वहां जिस तरह से कोरोना विस्फोट हुआ है उसे देखते हुए भारत को सतर्क हो जाने की जरूरत है। इसके साथ ही पिछली लहर के दौरान जो कमियां रह गई थी उससे दूर करते हुए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना चाहिए, और सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में इस बार सबसे ज्यादा बच्चे ही प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक का कहना है कि पिछले हफ्ते 1,80,000 बच्चे संक्रमित हुए हैं।
इनमें से 23 संक्रमित बच्चों ने दम भी तोड़ दिया। मार्च 2020 से अब तक कुल 46 लाख बच्चों में कोरोना की पुष्टि भी हुई है। हालांकि डॉक्टर एस के नंदा का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। देखिए, जहां तक ये सवाल है आपका, तो स्कूल तो काफ़ी दिन से खोलने के लिए तैयारी हो रही थी कि कोविड की जो है वो इन्फेक्टिविटी जो है वो कम हो जाए तो वो खोले जाएँ। और अब काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि अब इसकी काफ़ी इन्फेक्शन की रेट कम हो गई है। अब हमारे यहाँ तो जहाँ तक मैं अपने बारे में, अपने हॉस्पिटल के बारे में बता सकता हूँ, तो यहाँ पे लगातार टेस्टिंग हो रही है, कोविड टेस्टिंग हो रही है, लेकिन अभी इधर कोई भी पॉजिटिव केसेस नहीं निकल रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस समय दूसरे फीवर के केसेस जो आ रहे हैं उसमें दूसरी बीमारियाँ निकल रही हैं, जैसे कि टाइफाइड है, जैसे कि डेंगू है, जैसे कि वायरल फीवर, ये सब चीज़ें निकल रही हैं, कोविड की नहीं निकल रही हैं। अब बच्चों के जहाँ तक बात है, तो बच्चों को माता पिता को एहतियात के साथ में सब सिखा के ही भेजना चाहिए कि आपस में दूरी भी बनाए रखें, बहुत ज़्यादा करीब में ना रहें, मास्क का यूज ज़रूर करें और हाथ को सैनिटाइज करते रहें। तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बन रही है और बच्चों को अच्छी तरीके से समझा बुझा के ही भेजें। अगर ऐसा नहीं है, जैसे स्कूल में नहीं हो पा रहा है, तो वैसी जगह पे उनके अभिभावक उनके टीचर से मिल के अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, बच्चों को तैयार करके भेजना चाहिए, है ना, पूरा पहना है ना के और उनको बता के, साथ में सैनिटाइज़र की छोटी सी वो दे के तभी भेजना चाहिए। और जब उनके स्कूल में स्पेस हो प्रॉपर, जाके खुद पहले जाके देखें तभी भेजना चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ पे बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट है जिस पे डिस्टेंस मेंटेन की जा सकती नहीं। इसलिए शायद हमारे ख्याल से, मैंने भी जो न्यूज़ में पढ़ा था उसमें यही था कि 3-3 घंटे के लिए स्कूल खोले जाएंगे या शिफ्ट वाइज स्कूल खोले जाएंगे, जहाँ पर बच्चों को दूर दूर बैठाया जाएगा, डिस्टेंस मेंटेन करी जाएगी। अभिभावक लोगों को ये जाके उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जाके देखें कि ऐसा किया जा रहा है कि नहीं स्कूल में, अगर नहीं किया जा रहा तो फिर नहीं। हालांकि अब देखिए, अब जब स्थिति ऐसी बन गई है तो ऐसे में अब हम आपको 5 वो संकेत बता देते हैं जो पूरी तरह से कोरोना की तीसरी लहर की तरफ इशारा कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत भी केरल से ही हुई थी। उस समय पहले केरल, फिर महाराष्ट्र के बाद पूरे देश में कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़े थे। इस समय भी केरल में ही कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस तरह पूरे देश में जहां दूसरी लहर कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं केरल में नए सिरे से मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। केरल में पिछले 5 दिनों में करीब 1.5 लाख नए कोरोना मामले सामने आए हैं। यहां लगातार चौथे दिन कोरोना संक्रमण के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 444 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से, जिसमें अकेले केरल में 153 लोगों ने जान गंवाई है। ऐसे में देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों में 3.7 लाख में से 55% अकेले केरल से ही है। यहां रविवार को 29,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 22,088 लोग ठीक भी हो गए। वहीं 75 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं लाइफ बोट एपिडेमियोलॉजी के प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर गिरधर बाबू के मुताबिक, केरल से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये बात नकारात्मक नहीं है कि केरल में हम जो देख रहे हैं और देश के बाकी हिस्सों में जो हम देखेंगे, वो वैक्सीनेशन और सीरो प्रिवेलेंस के कॉम्बिनेशन होगा। अगर तीसरी लहर आती है तो इसका सबसे ज्यादा खतरा उन जगहों पर होगा जहां वैक्सीनेशन और सीरो प्रिवेलेंस कम है। ऐसे में केरल में सीरो प्रिवेलेंस कम था, इसीलिए वहां संक्रमण का खतरा था। किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह से संक्रमण ज्यादा तेजी से फैलने का खतरा भी है। त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनीत टीएस ने यह भी कहा है कि केरल के एक केस स्टडी है, लेकिन नेगेटिव सेंस में नहीं। केरल में ओणम के दौरान बाजार खुले, लेकिन वहां कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। फिर भी वहां इसी वजह से अतिरिक्त 10,000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। ऐसे में कोरोना के कहर के बीच पूरी दुनिया में इसराइल इकलौता ऐसा देश था जिससे
सबसे पहले अपने देश को मास्क फ्री घोषित कर दिया था। यहाँ बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया था, जिसकी वजह से 50% आबादी जून महीने में ही वैक्सीनेट हो चुकी थी। लेकिन यहाँ भी पहले एक हफ्ते से कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बीते शनिवार को इसराइल में कोरोना के 12,013 नए मरीज मिले हैं। ये संख्या पिछले 18 महीनों में सबसे ज्यादा है। यहाँ पहला मरीज 21 फरवरी 2020 को मिला था और ऐसे में इसराइल ने सबसे पहले खुद को मास्क फ्री भी घोषित कर दिया था। लेकिन मरीज बढ़ने पर उसने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क अब अनिवार्य कर दिया है। इधर सरकार ने एक साल से बंद स्कूलों को 1 सितंबर यानी कि आज से खोलने का फैसला कर दिया है, लेकिन कोरोना के बड़े मरीजों ने चिंता भी बढ़ा दी है। बढ़ते केस के पीछे पाबंदियां हटने के बाद लोगों की लापरवाही बड़ी वजह मानी जा रही है। इसराइल अपनी 60% आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगा चुका है। ऐसे में दुनिया के जिन देशों ने महामारी से अब तक खुद को बचाए रखा था, वहां कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने भी लगा है। आलम यह है कि वहां अब तक के रिकॉर्ड मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। इनमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी बीते दिन 1152 मरीज मिले थे, जो कि 19 महीनों में सबसे ज्यादा हैं। यहाँ बता दें, पिछले साल 25 जनवरी को पहला मरीज मिला था। वहीं न्यूजीलैंड में 16 महीने बाद सर्वाधिक 83 मरीज मिले हैं और इन देशों में बढ़ते मरीजों को लेकर WHO ने भी चिंता जाहिर कर दी है। उनका कहना है कि इन देशों में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट घातक साबित हो रहा है। इन देशों में मिलने वाले 95% मरीज डेल्टा वेरिएंट के ही हैं और इसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लॉकडाउन और सख्त कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में तो लॉकडाउन लंबे समय से लगा ही है, जबकि न्यूजीलैंड में 12 दिन पहले एक मरीज मिलने के बाद लॉकडाउन लगा था और इसके बावजूद यहां केस बढ़े, जिसके बाद सरकार लॉकडाउन बढ़ाने को के साथ साथ उसे और सख्त करती जा रही है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के कहर को देखने के बाद से ही वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है और ऐसे में पहली लहर के दौरान बुजुर्ग, दूसरी लहर के दौरान युवाओं के बाद अब तीसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा बच्चे ही संक्रमित होने वाले हैं। इसीलिए जाते जाते बस आपसे यही अपील है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, परिवार और सबसे ज्यादा बच्चों का ख्याल रखिए। नमस्कार।